साहब सिंह यादव। वो क्या प्रॉब्लम है आपको? भैया बुखार बहुत तेज है, सर में दर्द भी है, उसके बाद क्या बोलते हैं सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये संगीता यादव आई कहाँ से है? बताइए। मेरी वाइफ है। नहीं ये आई कहाँ? कहीं गई नहीं थी। कहीं गए थे आप लेकर के? नहीं कहीं नहीं, यहाँ से हम लोग वहाँ जिला अस्पताल गए थे चंदौली। हाँ तो क्या हुआ? सिम्टम दिखने से तो वहाँ देख दूर से ही देख कर रहे, नहीं कुछ नहीं है, वही वायरल है, जाके दवा दो बस। अब लेकर चले आए वहाँ से, फिर हम BHU चले गए जी। BHU गए तो वहाँ डॉक्टर देखे, वहाँ डॉक्टर देखने बाद बोले कि ऐसा कि देखने बाद बोले सिम्टम है, लैब चले जाइए 103 नंबर में। लैब वाले चेक ही नहीं किए, बोले कुछ नहीं, 5 दिन दवा खाइए तो दिक्कत। फिर कितने दिन हो गए आपको आए हुए BHU से? बस आज आए हैं, सुबह से हम दौड़ रहे हैं लेकर के, जब आए हैं उसके बाद से तुरंत दिक्कत और बढ़ गई। कोई जांच की पर्ची है आपके पास? अब जो भी हो मरीज तो आते ही मेरे, क्या बोलते हैं। अरे मतलब रुक जा, कोई है जांच की पर्ची आपके पास? कहाँ के? वहाँ के। हाँ जो पर्ची है मगर जांच नहीं किए हैं लोग ना, तो ये कैसे आप मान सकते हैं कि इनको कुछ नहीं हुआ है? जैसे वो तो बता रहे हैं ना। कौन बता रहे हैं? नहीं जो बताने का सिस्टम है, जो उनको बीमारी है, जो उनको तकलीफ है, ऐसे उनके एहसास होगा तो हो सकता है कोरोना, उनको हो सकता है संदेह है। संदेह है तो संदेह को तो निवारण होना चाहिए ना। संदेह का निवारण नहीं, लैब भरू BHU के डॉक्टर जो इमरजेंसी में देखो रोजे भी लैब में, लैब नहीं हुआ। एक बीमारी उनको कब से हुई शुरुआत? आज 3 दिन पहले से हम लोग एग्यूमेंटिन खिला रहे थे किसी और बीमारी के लिए, और एकाएक आज समस्या बढ़ गई सुबह में। सुबह में और सुबह उठते ही बढ़ी है। तो उनको मरीज से अलग रखा गया है? हाँ हाँ, वो मरीज से कोई मतलब नहीं, चौथे फ्लोर पर है। अच्छा